हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आए स्कूली बच्चे, सहायता राशि जुटाई, अभियान जारी। केरल में आए भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए गुरुवार को भी सहायता अभियान जारी रहा। इस दौरान स्कूली बच्चे भी सहायता राशि जुटाने में सहयोग कर रहे हैं। रामेश्वर नगर स्थित अरेबिक पाठशाला के बच्चों ने गुरुवार को केरल में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा एकत्रित किया। अरेबिक पाठशाला के बच्चों ने संकल्प लिया कि लंच के समय लंच नहीं करके केरल में आए प्राकृतिक आपदा बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा एकत्रित करेंगे। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए बच्चों ने हाथ में गुल्लक और तख्तियां लेकर रामेश्वर नगर और आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर व्यापारियों से चंदा एकत्रित किया। बच्चों का कहना था कि जो चंदे से पैसे एकत्रित होगा उसे कलेक्टर के मार्फत केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा जाएगा। अरेबिक पाठशाला के शिक्षक ने बताया कि संस्थान के डायरेक्टर मनीष आसोपा की प्रेरणा से इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं ग्रेट इंडिया हेल्प इंडिया एवं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने केरल के बाढ़ पीड़ितों के गणेश मंदिर और किसान भवन के बाहर सहायता जुटाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष पवार एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कुंती देवड़ा ने बताया कि अभियान में बड़ी संख्या शहरवासियों ने आर्थिक मदद की। ये सहायता अभियान क्रम 7 दिन और चलेगा। डॉक्टर अजय त्रिवेदी के नेतृत्व में संचालित कार्यक्रम में विशाल शर्मा, ललित सुराना, कुंती देवड़ा, मनीषा पवार, शारदा चौधरी, शुभ लक्ष्मी पुरोहित, दिव्या गहलोत सांखला, गीता पवार, चेतन मारवण, पंकज सुराना, सुनील भोजासर, मोहम्मद जीशान ने सेवाएं दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता गणपत सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित हुए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।